आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको एक अगुआ क्यों दिया? अगुए का हमारे जीवन में क्या रोल है? अगुआ परमेश्वर ने आपको क्यों दिया और अगुए का हमारे जीवन में क्या रोल है? समझ आ रहे हो? क्योंकि अगुआ ही आपको परमेश्वर की हर आज्ञाओं, हर नियमों को सिखाता है कि उसमें बने रहो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये गलती मत करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो। समझ रहे हो? क्या ना करो? समझ आ रही है? इसीलिए ये चीज परमेश्वर ने आपको लिख कर दी, जैसे अफिसियों की पत्री, उसकी अगर हम 4:11 से पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और 13 में लिखा, जब तक हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाएं। क्या ना जाएं? अभी क्यों परमेश्वर ने कहा कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके भविष्यवक्ता, शुभ समाचार, रखवाले, पासबन, उपदेशक, ये सब क्यों कलीसिया को दे दिए? अभी अगुए का आपके जीवन में क्या रोल है? अगुआ परमेश्वर ने आपको क्यों दिया? समझते हो? अगुआ परमेश्वर ने आपको क्यों दिया? ताकि आपको परमेश्वर की बातों में वो सिद्ध करे, जो चीजें आप नहीं करते हो वो आपको बताए, जहां पे लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या पाए? मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह, मसीह का शरीर कब उन्नति पाएगा? जब तक वो शरीर की चीजें नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं छोड़ेगा? क्योंकि जब तक हम शरीर की चीजें करेंगे, क्या करेंगे? जैसे एक मसीह का अंग अगर वो किसी दूसरे को गालियां निकालता है तो अंग कैसे उन्नति करेगा? अगर वो अंग, मसीह का अंग नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, झगड़ा करता है, हाँ, उसके मन में पाप है, क्या है? जैसे पुरानी व्यवस्था में व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, ये ना करना, हाँ, अगर ये चीजें उसके मसीह के अंग में क्या है? इसीलिए अगुए का आपके जीवन में रोल है कि वो आपको उन बातों में स्थिर करे। क्या करें? अगुए का रोल है कि आपको उन बातों में स्थिर करे ताकि आप कोई पाप ना करो। जैसे परमेश्वर चाहता है आप वैसे चलो। कैसे चलो? फिर आप कोई दोबारा पाप ना करो। इसीलिए लिखा, तुम परमेश्वर की पुत्र, जब तक तुम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाओ और सिद्ध मनुष्य ना बन जाओ और मसीह के ढील ढोल तक ना बढ़ जाओ। हाँ, मसीह के ढील ढोल समझते हो? उसकी बराबरी। किसकी बराबरी? मसीह की बराबरी। हाँ, जैसे अभी हमारा जो शरीर का विश्वास है क्या है? वो हमेशा ही अप डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे। कैसे होता रहता है? ऊपर नीचे। कैसे? ऊपर नीचे होता है। अगर हमने 4 वचन सुन लिए तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नहीं है तो अगर हालात आ गए, कुछ ऐसी चीज आ गई, कुछ ऐसा माहौल बन गया तो फिर वो विश्वास नीचे जाएगा। पर क्यों लिखा मसीह के ढील ढोल तक? क्योंकि मसीह के जो अंदर का विश्वास था उसका जो लेवल था वो कभी भी ऐसे नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं। जैसे आज मसीहों का विश्वास क्या होता रहता है? ऊपर नीचे। हालात आया फिर नीचे, कुछ अच्छा हो गया तो फिर उनके मन खुशी में खुशी आ गई, फिर वैसे, फिर अगर हालात आया फिर ऐसे, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर परमेश्वर कहता है तुम सबके सब किसकी पहचान में एक ना हो जाओ। क्या ना हो जाओ? उसकी पहचान में क्या ना हो जाओ? एक ना हो जाओ सारे। क्या ना हो जाओ? एक ना हो जाओ उसके ढील ढोल तक ना, मतलब उसकी बराबरी में। समझते हो? जो चीजें जैसे लिखा ना, यीशु मसीह एक नमूना बना। पौलुस कहता मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरे जैसे चलो।
हम जानते हैं कि मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या किया, हाँ क्या किया, उसने पापियों से भी प्रेम किया। जिन लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, हाँ लिखा वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, हाँ वो दबकाता नहीं था, किसी का बुरा नहीं सोचता था, समझते हो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था। क्या था उसका, उसका स्वभाव ऐसा था। और वही चीजें जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तो वो बराबरी, क्या बोलो, जो चीजें यीशु मसीह के अंदर थी, क्योंकि यीशु मसीह ने सब चीजें अपने जीवन से पहले करके दिखाई। क्या दिखाई, अपने जीवन से। आज आप आपने भी अपने जीवन से करके दिखाना है। क्या दिखाना है, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन से करके दिखाओगे नहीं, क्योंकि अगुए का रोल यही है कि आपको वो किससे मिलाए, किसकी बातों में स्थिर करें, क्या करें, समझ आ रहे हो, अगुए का रोल है आपके जीवन में, ताकि आप कोई पाप ना करो, कोई गलत चीज ना करो, क्या ना करो, कोई गलत चीज ना करो, समझ आ रही है। क्योंकि अगर क्यों परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हाँ वो दो गुना आदर के योग जाने जाए, क्या जाने जाए, इसलिए उसने कहा अपने अगुआ का क्या करो, सम्मान करो, जो तुम्हें किसका वचन सुनाते हैं, हाँ जो तुम्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये ना करो, वो ना करो, ये गलत है, ये पाप ना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आपका फर्ज है कि आप किसकी बात को मानो, हाँ इसलिए उसने कहा मैंने अलग अलग प्रेरित, भविष्यवक्ता, शुभ समाचार, रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिए कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि अगर आप अपने अगुए की बात को नहीं मानोगे, क्या नहीं मानोगे, अगुए का यही रोल है, हा? क्योंकि काम कौन करता है, अगर मूसा को परमेश्वर ने 40 लाख लोगों में चुना तो मूसा को जो परमेश्वर कह रहा था वो बता रहा था, क्या कह रहा था, जो परमेश्वर कह रहा था वो उन्हें बता रहा था, और कुछ लोग सुनकर उसकी मानते थे, पर जिन्होंने नहीं माना उनके साथ क्या हुआ, अगर हम बाइबल देखें, जिन्होंने नहीं माना उनके साथ क्या हुआ, समझ आ रही है, जिन्होंने मूसा की बात को नहीं माना, क्योंकि वो बातें किसकी बातें बताता था, हाँ बोलो, वो बातें किसकी बातें बताता था, अगर मैं यहां आपको बातें बताता हूं तो किसकी बातें बताता हूं, समझ आ रही है, और यही आपके जीवन में अगुए का रोल है, क्या है बोलो, अगुए का रोल है।